बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं उसवेर खान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को फेसबुक पर भी दे सकते हैं और मुझे अपनी राय भी दे सकते हैं। आज की कुछ बहुत अहम डेवलपमेंट्स, बहुत अहम खबरें हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से दो बड़ी अहम खबरें हैं, एक तो लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से और एक सुप्रीम कोर्ट में। साथ ही साथ जजों के हवाले से भी आज एक अहम केस की समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये तीनों बड़ी खबरें जो हैं ये बड़ी अहमियत के हामिल हैं। और आपको बताता चलूं कि चूंकि अब सिर्फ 8 दिन रह गए हैं आम इंतखाबात में, 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक सैलाब है दरख्वास्तों का, और वो तमाम दरख्वास्तें दायर हो रही हैं उन उम्मीदवारों के जो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, उनकी जो कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसरों ने या उसके बाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद की थी, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों केसेस सुनती हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी एक अपील दायर की है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। वो इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम आपको लाहौर हाई कोर्ट लिए चलते हैं, जहां पर आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो पिटीशन है उस पर बाकायदा तौर पर जज ने शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब ने एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने आर्डर जारी किया है। और अब पैमरा को ये खुसूसी तौर पर हिदायत दी गई हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को और तमाम जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो उम्मीदवार हैं जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं उनको बाकायदा तौर पर मीडिया कवरेज दी जाए, उनको मीडिया तक रसाई दी जाए। इससे पहले भी इमरान खान साहब ने ये पिटीशन दायर की थी, और उसके बाद उस पिटीशन को फिर लार्जर बेंच के सामने रख दिया गया था, लेकिन उसके बाद फौरन बाद इमरान खान ने दोबारा रुजू किया था अपने वकील पंचोटा के हवाले से, उनकी जानिब से उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी। तो आज उस पर जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने ये ऑर्डर जारी किया है और पैमरा को ये बाकायदा तौर पर हिदायत जारी की हैं कि खसूसी तौर पर तमाम जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कैंडिडेट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, खसूसन साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उनको मीडिया कवरेज दिया जाए, उनको मीडिया तक रसाई दिए जाए, जो इलेक्शन के हवाले से जितने भी कैंपेन हैं, रैलीज हैं और जितने भी जलसे जुलूस वगैरह हैं उनकी कवरेज के लिए उनको बाकायदा तौर पर मीडिया तक रसाई दी जाए। दूसरी जो बड़ी अहम पिटीशन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की है साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला था जो उन्होंने उनके जो मियांवाली का जो हल्का है 89 NA 89 उस पर उनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद किए गए थे, और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने वकील उज़ैर भंडारी के थ्रू से उन्होंने अपील दायर की है आईन के आर्टिकल 185(3) के तहत, और उसमें ये इस्तेदा की गई कि लाहौर हाई कोर्ट का वो फैसला जो है वो कलदम करार दिया जाए और उनको बाकायदा तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए। इमरान खान साहब ने अपने इस पिटीशन में ये मौकफ इख्तियार किया है कि जो कागजात नामजदगी उनकी जो मियांवाली की सीट पे जो मुस्तरद किए गए हैं वो इस बिना पर किए गए हैं कि उन्हें उनको जो तोशाखाना केस में कन्विक्ट किया गया था, 3 साल की सज़ा सुनाई गई थी, तो वो उस हवाले से उस पर उनके वो कागजात नामजदगी जो हैं वो उन्होंने मुस्तरद किए थे। और इस पर आज इमरान खान साहब ने ये कहा कि हाई कोर्ट की जानिब से जो फैसला जो अपीलें दायर की गई थी उनको सुनाई गई सज़ा के खिलाफ पे नहीं दी गई, यानी उनको जो उनको जो सुनाई गई सज़ा है किसी अखलाकी बुनियाद पर नहीं दी गई। यानी इमरान खान साहब का कहना है कि जो तोशाखाना केस में जो उनको जो सज़ा दिलवाई गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ज़ाहिर बैकग्राउंड है आपको पता है कि एक दरख्वास्त उन्होंने दायर की थी और फिर उन्होंने उसके खिलाफ केस लड़ा और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फिर उनको 3 साल के लिए नाअहल किया था, तो उस पर इमरान खान साहब का कहना है कि जो सज़ा तोशाखाना केस में मुझे सुनाई गई थी वो किसी अखलाकी बुनियाद पर नहीं की गई थी, तो लिहाजा उनका कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट का जो 16 जनवरी का जो फैसला है वो कलदम करार दिया जाए। साथ ही साथ साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा अपनी इस दरख्वास्त में कि वो एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, उन्होंने इस मुल्क की बड़ी खिदमत की है, मुल्क में बहुत ऐसे उन्होंने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे जो उन्होंने बतौर वज़ीर-ए-आज़म उनको बड़ी पज़ीराई हासिल हुई, तो लिहाजा उन्होंने कहा कि उनकी ये जो दरख्वास्त जो NA 89 मियांवाली 1 से जो उनके कागजात नामजदगी जो मुस्तरद किए गए उसको लाहौर हाई कोर्ट का वह फैसला
कलदम करार दिया जाए। और अब नाज़रीन आपको ये बताता चलूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिक्र है इसमें कि कल सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि तीन रुकनी बेंच को गुज़िश्ता रोज़ हेड कर रहे थे, अटक से एक साहिब थे ताहिर सादिक साहब, उन्होंने एक अपनी उसकी कागजात नामजदगी भी जो है वो नेशनल असम्बली के इलेक्शन के लिए उन्होंने उसके वो मुसरत हुए थे, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसने अपील फाइल की थी। और फिर तीन रुकनी बेंच जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस सईद मंसूर अली शाह, जस्टिस जमान खान मंदुखील और जस्टिस अतर मेनल्ला की सरबराई पर मौजूद इस तीन रुकनी बेंच ने उस ताहिर सादिक साहब को उनके कागजात नामजदगी को दुरुस्त करार दिया। और उसमें जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो उजर पेश किए उन्होंने कहा, और हाँ आपको ये बताता चलो कि दरख्वास्त गुजार जो ताहिर सादिक थे उस पर ये इल्ज़ाम था कि वो इश्तिहारी हैं और वो किसी केस में इश्तिहारी थे, तो लिहाजा उन उसकी बिना पर उनके वो कागजात नामजदगी जो थी वो मुस्तरद हुई थी। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कल बाकायदा उनका तहरीरी ऑर्डर भी आया हुआ है, और ये ऑर्डर मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। मैंने स्टोरी भी दी है आज, द न्यूज़ में छपी भी है, और उसमें मंसूर अली शाह साहब का कहना है कि जो इवन जो इश्तिहारी होता है उसको भी वो भी इलेक्शन लड़ सकता है, उसको आप इलेक्शन लड़ने से रोक नहीं सकते। और उसमें क्योंकि उन्होंने कहा कि जो शख्स इंतखाबात में जाता है इलेक्शन लड़ता है तो ये सिर्फ उसका ज़ाती फेल नहीं होता है बल्कि उसके साथ पूरी कौम जो है वो उसमें शामिल होती है, पूरी कौम की आवाज़ उसमें होती है, तो लिहाजा किसी को इस जमहूरी हक से जो है उसको महरूम करना ये आइन जो है इजाज़त नहीं देता। और ख़ास तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने इस तहरीरी ऑर्डर में ये भी लिखा है कि जो आइन का आर्टिकल 62 और 63 है वो, और ख़ास तौर सेक्शन 21, 231 और 232 जो कि इलेक्शन एक्ट है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन की हवाले से है, तो लिहाजा इसमें ऐसी कोई आइन में इसमें कोई जिक्र नहीं है कि एक शख्स अगर इश्तियारी हो तो आप उसको इलेक्शन लड़ने ना दें। तो उन्होंने कहा कि ये जो उसकी उनके जो मुखालिफ थे ताहिर सादिक के, उनके जो दरख्वास्त गुजार के जो मुखालिफ थे, उनके वकील भी जो पेश हुए, तो उन्होंने भी कोर्ट को ये कन्विंस नहीं कर सके कि किन बुनियाद पर उनको उनके कागजात नामजदगी जो हैं वो मुस्तरद हुए थे, और ना ही आइन में इस तरह की कोई शिक मौजूद है कि अगर कोई बंदा इश्तियारी हो तो उसको आप इलेक्शन लड़ने ना दें। तो अब इमरान खान साहब की ये जो पिटिशन जो आज जो उन्होंने जो अपील फाइल की है, उन्होंने भी कहा है कि मैं जो मुझे तोशाखाना रेफरेंस में जो मुझे सज़ा सुनाई गई है तो वो अखलाकी बुनियाद पर नहीं दी गई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि उनके जो कागजात नामजदगी जो है 89NA-1 उनसे वो कागजात नामजदगी जो है उसके जो कागजात हैं वो एक्सेप्ट किए जाएँ, कबूल किया जाए ताकि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सके। और उन्होंने कहा कि इंतखाबात में मुझे हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए। अब देखना ये होगा कि जिस तरह पहले भी मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट रोज़ाना सैकड़ों केसेस सुनती हैं, यही इलेक्शन मैटर है, क्योंकि अब इलेक्शन करीब है तो जितने भी जिन लोगों के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसरों ने मुस्तरद किए हैं और उसके बाद फिर हाईकोर्टों से उन्होंने रुजू किया, हाईकोर्ट ने भी उनको मुस्तरद किए हैं या एक्सेप्ट किए हैं, उसके खिलाफ वो अपीलें सुप्रीम कोर्ट में आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट रोज़ाना की बुनियाद पर उन सबको सुन रही है। कई लोगों के जो फैसले हुए थे उनको आया तो बरकरार रखा या किन कई लोगों को उन्होंने इजाज़त दे दी कि वो इंतखाबात लड़ सकते हैं, ये इलेक्शन लड़ सकते हैं। और बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत जारी की हैं कि उनका नाम बैलेट पेपर में और बैलेट जो इंतखाबी फहरिस्त है उसमें शामिल किया जाए और उनको सैम्बल यानी इंतखाबी निशान भी दिया जाए। तो अब देखना ये होगा कि इमरान खान साहब की जो ये अपील फाइल हुई है ये कब लगेगी, और इसमें भी चांसेज हैं कि शायद इमरान खान साहब को अपने हल्के से मियांवाली से उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए, कभी इम्कान है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं 5-6 दिनों से जो तमाम केसेस सुन रही हैं इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन पिटिशनें फाइल हुई, तो हो सकता है कि इमरान खान साहब की भी ये दरख्वास्त मंजूर हो जाए। साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जजेस के खिलाफ एक जो पिटीशन फाइल हुई थी, और वो मामला ये था कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक जजमेंट दी थी आफिया शेरबानो केस में कि अगर कोई जज रिटायर हो जाए या वो इस्तीफ़ा दे दें तो अगर उसके खिलाफ कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो कार्रवाई है बदनवानी के हवाले से कोई केस है
तो वो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। आपको बताता चलूं कि इसका बैकग्राउंड ये है कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया एक जज जस्टिस मजाहिर अली अकबर नकवी, उनके खिलाफ भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कई कंप्लेंट्स फाइल हुए थे और कई दरख्वास्त गुजारों ने उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल किए थे कि उन्होंने बहुत सारी बदनवानियाँ की हैं और उन्होंने जायदादें ली हैं, बंगले बनाए हैं, प्लॉट्स लिए हैं, और उस पर फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने उनको दो दफ़ा शोकाज नोटिस जारी किया था, उसके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू की गई थी। और लेकिन इस दौरान कुछ ही दिन पहले जब एक दिन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई थी, तो उससे एक दिन पहले जस्टिस मजार अली अकबर नकवी ने बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट के बतौर जज उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और सदर पाकिस्तान ने उसका इस्तीफ़ा मंजूर भी कर लिया था। इसके बाद फिर हुकूमत वक्त यानी वफाकी हुकूमत ने बाकायदा तौर पर लॉ मिनिस्ट्री ने एक पिटिशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट में, आफिया शेरबानो के केस में जो जजमेंट आई थी कि कोई अगर जज रिटायर हो जाए या मुस्तफ़ी हो जाए या रिज़ाइन दे दे तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो वफाकी हुकूमत ने यह अपील फाइल की थी कि अगर इवन अगर कोई जज रिटायर भी हो जाए या वो रिज़ाइन कर दे लेकिन उन्होंने बदनवानी की है तो उस पर आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो कार्रवाई कर सकती। तो आज पांचों की लार्जर बेंच ने उस केस की समाअत की वफाकी हुकूमत की उस अपील पर जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस अमीनुद्दीन खान। अब अटॉर्नी जनरल ने ये उजर पेश किया कि जब ये फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आफिया शेरबानो केस में, तो उनमें ये कानूनी एक रिक्वायरमेंट होती है 27 सेक्शन आर्टिकल 27A के तहत कि आपको अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस दिया जाता है, लेकिन उन्होंने उस जजमेंट में अटॉर्नी जनरल ऑफिस को नोटिस नहीं दिया था और ये फैसला सुना दिया था। तो इस पर जस्टिस जमाल मंदुखीन साहब ने उनसे पूछा कि क्या आप इसमें फरीक थे, और अगर आप फरीक थे तो पहले तो आपको ये करना होगा कि आप इसमें फरीक बनना चाहेंगे, उसके बाद फिर आप जो है आईन के आर्टिकल 27A के तहत फिर आप अपील में फिर ये उज़र आप पेश कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ से सवालात उठाए गए हैं बड़े इंटरेस्टिंग, और वो ये इंटरेस्टिंग ये है कि जस्टिस जमाल खान मंदुखीन ने उनसे पूछा कि आलो अगरचे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है ये उसका ये मैंडेट है, उसका ये इख्तियार है कि अगर उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में किसी जज के खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है तो उस कंप्लेंट पे वो कार्रवाई करती है, और अगर वो इल्ज़ामात साबित हो जाते हैं तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उस जज को फारिग कर देती है नौकरी से। लेकिन या उन्होंने सवाल ये उठाया कि जब एक जज जो है वो रिटायर हो चुके हैं या उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया तो इस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई करने का कोई जवाब नहीं बनता। उन्होंने कहा कि एक जज जब रिटायर हो जाता है या उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो फिर उस पर किस तरह उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अब ज़ाहिर है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को बाकायदा तौर पर आज इस पाँच रुकनी लार्जर बेंच ने नोटिस जारी कर दिए हैं और पार्टीज़ को भी नोटिस जारी कर दिए हैं जो इसमें रेस्पोंडेंट हैं, और दो हफ्ते के लिए केस जो है वो मुलतवी हो गया है। आज की ये तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट थी, और उम्मीद है कि इस पर ख़ास तौर पर इमरान खान की जो अपील जो सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई, लाहौर हाई कोर्ट ने तो आज फैसला दे दिया बावजूद इसके कि कल साइफर केस में उनको 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन अब उनके जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार हैं उनको अब बाकायदा तौर पर पैमरा को हदायत जारी की गई हैं कि उनको मीडिया कवरेज जो है वो दिए जाएँ। एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने हाजिर हूँगा क्योंकि ज़रा वक्त ज़्यादा हो गया है, लेकिन नए देखने वाले नाज़रीन से मेरे इल्तिमास है कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।